Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं कि एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया को गोल्ड मेडल जीतने के उपरांत ही हरियाणा सरकार ने एक बयान दिया है जो कि हरियाणा सरकार 3 करोड़ रुपये बजरंग पुनिया को देगी। ये खट्टर सरकार ने अभी ऐलान किया है और दे भी क्यों ना, क्योंकि ये ही हरियाणा के लिए नहीं या फिर तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, अब मैं जल्दी से ही बजरंग पुनिया की बायोग्राफी पर और मैच के बारे में मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मनोज पिलपा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजरंग पुनिया की, उनकी कामयाबी और उनकी जीवनी के बारे में। दोस्तों, 18वीं एशियन खेलों में पहलवान बजरंग पुनिया ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। रविवार को गेम्स के पहले दिन उन्होंने पुरुषों की 65 किलोग्राम भार वर्ग प्रतिस्पर्धा के फाइनल में जापान के ताकातानी दाइची को 3-1 और 11-8 से मात दी है। दोस्तों, अपने स्मार्टफोन पर दुनिया के बड़े पहलवानों की वीडियो देखते हैं, उनके हर पहलू पर पैनी नज़र रखते हैं और जिनकी वजह से उन्हें अपनी तैयारियों में दोस्तों मदद मिलती है। दोस्तों, बजरंग पुनिया की गिनती देश के बड़े पहलवानों में होती है। जब भी वो मैट पर उतरते हैं, देश को उनसे काफ़ी उम्मीद रहती है। 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और 2018 और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में वह गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों, हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले बजरंग को कुश्ती विरासत में मिली है। उनके पिता बलवान पुनिया अपने समय के नामी पहलवान रहे हैं, लेकिन गरीबी के कारण उनके करियर को आगे नहीं बढ़ने दिया। दोस्तों, कुछ ऐसा ही बजरंग के साथ भी हुआ। बजरंग के पिता के पास अपने बेटे को घी खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो बस का किराया बचाकर साइकिल से चलने लगे। जो पैसे बचते उसे वो अपने बेटे के खाने पर खर्च करते थे। दोस्तों, 24 साल के बजरंग पुनिया ने दिल्ली के छत्रवास स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखे और अब वो देश का जो है परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा के बजरंग ने 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों में 61 किलोग्राम वर्ग में रजत जीता था और इस बार वह इन खेलों में अपने पदक के रंग को बदलने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मनोज पिलपिया चैनल। धन्यवाद।